हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देख रहे होंगे आपके बेड पे सामान थोड़ा फैला पड़ा है, तो आज इशू कर रही है मेकअप का चैलेंज। जो गीता के उसको उतना आता नहीं है, लेकिन उसको था कि मम्मी मैं मामी का मेकअप करूंगी वीडियो। मैंने कि चलो कोई बात नहीं है, बच्चा है, कहते ना कि उतना तो उसने मेकअप का कोर्स वगैरह किया नहीं, अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग माइंड मत करना और प्लीज़ फुल सपोर्ट करना, क्योंकि आज पहली बार इशू ने और गीता ने वीडियो बनाई है मेरे लिए। तो उसने पहले थोड़ा सा लोशन लगा लिया था, क्योंकि सर्दियों के टाइम में थोड़ा लोशन भी ज़रूरी है। फिर सीरम नहीं था हमारे पास में, तो उसने एलोवेरा का जो जेल होता है पतंजलि का, वो लगाया था। उसके बाद में फाउंडेशन लगा रही है, तो वो सब सामान आपको दिखाती भी जा रही है। और जो कि मैं फाउंडेशन का नाम भूल गई हूँ, सॉरी आपको। उतना मैं मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ, तो मेरा ज़्यादा इतना वो रहता नहीं है मेकअप वगैरह का, क्या है क्या नहीं है। गीता करती है थोड़ा बहुत जो भी है, तो उसका ही सामान लेके जो हमारे पास अवेलेबल था उसी को वो यूज कर रही है और लगा रही है। उसने अच्छे से फाउंडेशन को ये कर दिया है। उसके बाद में आई शेडो, आई लाइनर, जो भी होता है प्रोसीजर वही सब करेगी। और ये आपको मेकअप किट जो दिखा रही है, एक्चुअली ये वाली मेकअप किट मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए सिंगापुर से। मुझे बहुत शौक था मेकअप करने का, लेकिन कुछ ही टाइम मैंने यूज भी नहीं कर पाई थी, थोड़े ही टाइम करी थी मतलब। उसके बाद से जब यूज नहीं की, मेरा सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है। कुछ कुछ सामान है फिर मैंने वो सब गीता को भी दे दिया, कुछ रखा है मैंने कि मैं क्या करूँगी अब से ये सब रखे हो, फिर ख़राब भी हो जाते हैं ना। तो वो मतलब किट मेरी बहुत फेवरेट वाली है, तो वही यूज कर रही है। तो अब देखिए कैसे मेकअप करती है, कैसे गीता को वो तैयार करती है। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करना और अपना साथ देना। पे उसने आई शेडो, आई लाइनर, ये सब पूरा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में उसके आईब्रो वगैरह जो वो सेट कर रही है, उसको पार्लर का कभी कोर्स वगैरह उसने किया नहीं है। बस यही है कि कैसी भी किसी को देख लिया, मैं तो खुद ताजुब में हूँ। आज मैंने भी आप लोग जैसे देख रहे हो, उसने रूम बंद करके मामी का मेकअप किया, मैं वहां पर मौजूद नहीं थी, मेरे सामने नहीं हुआ ये सब। तो मैं भी खुद वीडियो देख करके हैरान थी कि अरे उसने फिर भी बहुत अच्छा मेकअप कर लिया, क्योंकि उसको पता भी नहीं है कौन सी चीज़ कब यूज करनी है हमें। और बच्ची अभी तो खुद भी ऐसा नहीं है कि भाई मेकअप वगैरह यूज करती है। तो आईब्रो वगैरह सेट कर दिए, उसके बाद में अभी थोड़ा बहुत फाउंडेशन वो रहता है ना आँखों के नीचे, थोड़ा कालापन रह जाता है, तो फेस पाउडर वगैरह लगा करके उससे सेट कर रही है वो। और फिर वही है कि लिपस्टिक वगैरह लगाएगी। अब आप भी देखो, मैं भी देखती जा रही हूँ आप लोगों के साथ में। उसने लिपस्टिक वगैरह सब लगा के मेकअप कर दिया, बाल सेट कर रही है। बाल बहुत अच्छे हैं गीता के, बाल अच्छे हैं, लंबे हैं उसके। अभी तो थोड़े से नीचे से कटवा दिए, लेकिन उसके बाल बहुत अच्छे हैं, लंबे भी हैं, जो कि मेरे रंग बाल नहीं है बिल्कुल भी। मेरे बाल बहुत बेकार हैं,
तो वो अब देखो क्या हेयर स्टाइल बनाती है उसको, और उसके बाद उसने गीता को दिखाएगी तैयार करके अच्छे से। तो आप लोग भी देखना और प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और मुझे कमेंट करके बताना भी, क्योंकि मेरी बेटी ने पहली बार मेकअप किया है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे कैसा किया है उसने। यहाँ पे उसने कानों में झुमकी वगैरह और गले में थोड़ा सा वो सेट भी पहना करके, और देखो गीता हो गई है रेडी। तो प्लीज बताना गीता के लिए भी कैसी लग रही है। देखा आज आपने ईशु ने किया है गीता का मेकअप, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना कैसा मेकअप किया है उसने, कैसा लगा है। बच्ची ये पहली बार किया है मगर अच्छा किया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि मैं घर पे मौजूद नहीं थी। आपको मैं बताऊं इसने मेकअप किया था उस टाइम पे, गन्नू के प्रवीत की तबीयत थोड़ी सी खराब है, वैसे तो ज्यादा नहीं, उनको सर्दी वगैरह बहुत हो रही है। तो मेयर भाई उन दोनों को डॉक्टर के पास लेकर के गए थे, तो उन दोनों मामी भांजी ने फिर बाद में ये वीडियो शूट किया है। तो आप लोग बताना किस तरीके का लगा है मेकअप आपको। तो बाल भी यहाँ से थोड़े मेरे भी सफेद होने लगे हैं, देखो मेहंदी लगाऊंगी एक दो दिन में। तो प्लीज आप लोग पूरा सपोर्ट करना और बताना, क्योंकि कहते ना जब कोई मेहनत करता है अगर पूरा अच्छे से सपोर्ट और अच्छे कमेंट मिलेंगे, तो दोनों के जनी सुबह को पढ़ेंगे तो खुश हो जाएंगे कि हमने मेकअप किया, मेहनत किया। और दोनों को हो रहा था कि मतलब शौक था कि मैं मेकअप करूंगी मम्मी, पहले उसको था कि मेरा ही मतलब कि मैं आपका मेकअप करूंगी, लेकिन मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी मेकअप कराने का, मैं नहीं करा रही हूँ मेकअप। तो मैंने कहा चल गीता का कर ले तू, तो कह रही नहीं मम्मी चैलेंज करेंगे, आप भी आंटी का करो मैं मामी का करती हूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों को कमेंट करोगे या कुछ तो मैं भाभी का उनका चैलेंज करके आप लोगों को दिखा दूंगी, नहीं है तो आज ईशु ने ही मेकअप किया हुआ है। तो प्लीज बताना कैसा मेकअप किया है उसने, क्योंकि उसको भी खुशी होती है, सबके मैसेज वगैरह वो भी पढ़ती है, ऐसा नहीं है कि मैसेज नहीं पढ़ती, गीता भी पढ़ती है वो भी सबके, और कई बार मैं नहीं दे पाती हूँ तो वो रिप्लाई भी कर देती है सबके मैसेज। तो आप लोग बताना कमेंट करके कैसा मेकअप किया है। तो यही हमारा छोटा सा वीडियो था, मिलती हूँ आप लोगों को कल को नए नेक्स्ट वीडियो, कल नए वीडियो के साथ में, नए दिन के साथ में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो न्यू है मेरे चैनल पर वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर नहीं मिलेगी, तो इसलिए बेल के साथ में मुझे सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं रखती हूँ, और हमेशा मैं आप लोगों को पता ही है कि मेरी वीडियो का एंड रात को ही होता है, दिन में मैं एंड नहीं कर पाती हूँ कि कुछ ना कुछ लगा रहता है इधर उधर। आज तो संडे भी था, तो संडे में तो आप लोगों को पता है शाम को मेरा सब्जी का भी रहता है, तो मैं सब्जी वगैरह भी लेकर के आई थी, तो वही सब है। चलो कोई बात नहीं, अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजे का टाइम हो गया है, 9:30 बजे मेरी एल भी शुरू हो जाएगी, आधा घंटा मुझे मिलेगा थोड़ा रेस्ट भी और नॉर्मली। चलो तो इसी के साथ मैं करती हूँ, बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट।